जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू डिफेंस एजेंसी। और जैसे कि हमारा हैंडबुक सेशन चल रहा है, उसी को आज हम बस ख़त्म करने की तरफ ही है। 5 चैप्टर रह गए हमारे। एक तारीख तक वैसे हो ही जाएगा, नहीं तो 2 तक तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा ये हैंडबुक सेशन हो जाएगा तो हम सीधा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या फिर मैं अपने पास से कुछ क्वेश्चन लिखकर उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवेंचर ट्रेनिंग और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, चैप्टर 21 और 22। ठीक है, तो पहले की तरह ही हम डिस्कस करेंगे पहले थोड़ा सा। ठीक है, और आज का हमारा चैप्टर काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि 2 टॉपिक हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे होता ये है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और एक ही वीडियो में आपकी 2 चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, सिंगल वीडियो जो कि बड़ा टॉपिक होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम सीजन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपकी जो है फरवरी लग जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 फरवरी से मार्च के बीच तक सभी एग्ज़ाम हो जाने हैं। तैयारी करते रहें, पोस्टपोन होने के चांस बहुत कम है, हो सकते हैं कुछ केस में। ठीक है, वैसे पोस्टपोन नहीं होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू होने के। ठीक है, तो जैसे भी है आप तैयारी कर सकते हैं। पेपर चाहे आपका आज हो जाए, कल हो जाए, ठीक है, तैयारी मैटर पड़ता है कि किस तरह की आप तैयारी करते हैं और क्या आपने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए हम जो है आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और टाइम टेबल के हिसाब से आप चीज़ें पढ़ सकते हैं कि किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट को मुझे ज़्यादा पढ़ना है, किस पे फोकस करना है। और ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। इसमें से कुछ क्वेश्चन बाहर से बन जाते हैं जो कि आपको पता रहता है, जो हमने अपनी एकेडमिक्स में पढ़े हैं। ठीक है, सब चीज़ें हमें हैंडबुक के अंदर नहीं मिल पाती, कुछ चीज़ें हमें अदर सोर्स से भी जो है पढ़नी पड़ती है। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, क्या है, कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं, वो सब मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात रिमाइंड करा दूं, आज हमने अपने ज़्यादातर ग्रुप डिलीट कर दिए हैं। आपका भी ग्रुप हो सकता है तो आप ऐसा ना करें, आप क्लास ज्वाइन करें और जो भी आपको चीज़ दी जाती है, लिंक दिया जाता है, उसमें आपको ऐड होना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। और हमारे इससे पहले के सभी चैप्टर की वीडियो डल चुकी हैं और एक बार हम आपका जो है कंपेयर कर लेंगे थोड़ा सा, सेट से जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो हमने बना लिया है, उससे थोड़ी आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या उनका जो है आंसर आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले एडवेंचर ट्रेनिंग की, साहसिक प्रशिक्षण। तो एडवेंचर ट्रेनिंग एनसीसी से रिलेटेड क्या है, उसमें मैं आज आपको सभी बताऊंगा सभी चीज़ें। और हम जो पढ़ेंगे आज भी हैंडबुक सेशन ही है हमारा, हैंडबुक सेशन आप देख सकते हैं, तो आज भी हम हैंडबुक से ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हमारा सेशन ये एंडिंग की ओर है, तो अभी हम पढ़ेंगे पहले साहसिक प्रशिक्षण। तो साहसिक प्रशिक्षण में सबसे पहले जो बताया गया है कि उद्देश्य, साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य, तो हम देखेंगे सबसे पहले उद्देश्य। तो उद्देश्य का क्या मतलब होता है, उद्देश्य होता है एम, यानी कि इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी एनसीसी को साहसिक प्रशिक्षण क्यों करवा रही है, उसके क्या एम है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्या कारण है जिस वजह से साहसिक प्रशिक्षण एनसीसी कैडेटों को कराया जाता है, तो उन वजह को हम अब देखेंगे। मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा इसमें भी कि साहसिक प्रशिक्षण क्यों कराया जाता है, तो बस आपको नोट करना है।
साहसिक क्रिया कलाप के प्रति जागृति उत्पन्न करना। यानी कि अब अगर एनसीसी में कोई कैडेट साहसिक क्रियाकलाप करके आता है, कुछ भी साहसिक एडवेंचर ट्रेनिंग कुछ भी हो सकती है, तो उसे उसके बारे में अवेयरनेस होती है, यानी कि जागृति होती है उसे कि इस साहसिक क्रियाकलाप करने से हमें ये फायदा है, इसे ऐसे किया जाता है, या इतने प्रकार के एनसीसी में साहसिक क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति उत्पन्न करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा देखते हैं, कैडेट्स में साहसिक क्रियाकलाप ये प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। तो दोस्तों जैसे कोई कैडेट्स है, उसे अगर फियर ऑफ हाइट है, यानी कि ऊंचाई से डर लगता है, और अगर वह पैरा सीलिंग करता है या पैरा जंप्स करता है, तो उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो साहसिक क्रियाकलाप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसके प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। साहसिक क्रियाकलाप के प्रति किसी किसी को रॉक क्लाइंबिंग करने में हार्डनेस दिखती है कि ये बहुत टफ चीज़ है, लेकिन वो कर लेता है तो उसे कॉन्फिडेंस आता है। कैडेट्स में साहस और सहवर्ग की भावना उत्पन्न करना, यानी कि उनमें साहस लाना, साहस यानी कि डेयरनेस लाना उनमें। तो फिर हम देखेंगे इसमें चौथा पॉइंट, काफी कैडेट ये भी गलती करते हैं कि उद्देश्य और लाभ में सेम पॉइंट लिख देते हैं, लेकिन उद्देश्य एक अलग चीज है और लाभ एक अलग चीज है। लाभ भी हम इसके बाद में देखेंगे, पहले पांच पॉइंट इसके लिख लेते हैं। कैडेट में लक्ष्य प्राप्ति के ये जोखिम उठाने की भावना का विकास करना। यानी कि कैडेट्स में अगर कोई एक चीज मान लीजिए कि जैसे एक माउंटेन है और हमें इस माउंटेन को क्लाइम करना है, और हमें यहाँ पर पहुँचना है पीक पर, इसकी पीक चोटी पर पहुँचना है, तो उसमें काफ़ी सारे खतरे भी हो सकते हैं, डेंजर्स भी हैं, लेकिन उन डेंजर्स को ना सोचते हुए हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने की जो क्षमता होती है उसका विकास भी साहसिक क्रियाकलाप द्वारा होता है। नंबर पाँच, कैडेट्स में नेतृत्व का विकास करना। तो कैडेट्स में जैसे कोई कैडेट है, कोई टीम जा रही है जैसे साहसिक क्रियाकलाप पर, इस माउंटेनियरिंग पर जा रही है, तो इनका भी कोई नेतृत्व करता होगा, कोई कमांडर होगा, तो उसकी लीडरशिप क्वालिटी और अधिक ग्रूम होगी और अधिक उभर कर आएगी साहसिक क्रियाकलाप के द्वारा। तो ये सब चीजें हैं इसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स।
वो उद्देश्य मैंने आपको अलग बताए हैं, अब लाभ हम पढ़ेंगे इसका अलग। पहले आप उद्देश्य नोट करिए, फिर हम पढ़ेंगे इसमें लाभ, लाभ क्या होता है। तो कल एक कैडेट बोल रहा था कि जल्दी जल्दी मत इरेज करिए, तो अभी मैं आपको इसे लिखने के लिए टाइम दूंगा, तो आप इसे नोट करिए। अगर दोस्तों नोट कर लिया उद्देश्य, तो हम बात करेंगे लाभ की, यानी कि साहसिक प्रशिक्षण के क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे साहसिक प्रशिक्षण के लाभ क्या होते हैं, इनकी बेनिफिट्स क्या है इससे। तो साहसिक प्रशिक्षण के लाभ देखते हैं। तो कैडेट्स की चारित्रिक उन्नति होती यानी कि कैडेट्स का चरित्र अच्छा होता है, चरित्रिक उन्नति होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चरित्र क्या होता है, तो हमने जो पहले क्लास ली थी जिसमें हमने बताया था अनुशासन, ये उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप की क्लास, उसमें हमने सभी चीजें बताई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 कैडेट्स को कष्ट सहने का अभ्यास हो जाता है। यानी कैडेट्स को अगर कोई ऑब्जेक्टिव लेना है, साहसिक क्रियाकलाप, इट्स नॉट द इजी वर्क, ये कोई आसान कार्य नहीं है साहसिक क्रियाकलाप। तो साहसिक क्रियाकलाप में आपको कष्ट भी सहना पड़ेगा, आपको जोखिम भी उठाने पड़ेंगे, तो इसमें काफी चीजें होती हैं। तो साहसिक क्रियाकलाप कैडेट्स को कष्ट सहने का अभ्यास हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट, कैडेट्स में सहिष्णुता आती है। तो अब हम देखेंगे इसमें तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है कि कैडेट्स में सहिष्णुता आती है और कैडेट्स धैर्यवान बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर देखेंगे 4। उनके हृदय को संकुचित विचारधारा नष्ट हो जाती है। उनके हृदय से संकुचित विचारधारा नष्ट हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, स्नेह व उदारता की भावना का विकास तथा स्नेह व उदारता
उदारता की भावना का विकास व विचारों में दृढ़ता आदि है। तो ये मैंने आपको बताया इसके लाभ। तो साहसी प्रशिक्षण के 5 लाभ हैं, आपको 5 के 5 लाभ लिख लेने हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि एनसीसी कैडेट्स को कौन कौन से साहसिक प्रशिक्षण करवाए जाते हैं। आप पहले लाभ नोट कीजिए, उसके बाद में हम इनके सभी देखेंगे कि कौन कौन से साहसिक प्रशिक्षण एनसीसी कैडेट्स को कराए जाते हैं, कौन कौन से माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर हैं, वो सभी हम देखेंगे। तो अगर दोस्तों आपने ये लिख लिया हो लाभ साहसिक प्रशिक्षण के, तो मैं भी इसे इरेज करता हूँ। एक सेशन दोस्तों हम फुल फॉर्म का भी लाएंगे, जिसमें हम आपको फुल फॉर्म लिखवाएंगे एनसीसी में आने वाली, वो सेशन अभी लाया जाएगा 1-2 दिन बाद ही, आप उसे भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर, हम प्रोवाइड आपको जल्द ही कराएंगे उससे। तो एनसीसी के अंदर तीनों प्रकार की साहसिक प्रशिक्षण करवाया जाता है, 3 प्रकार का। नंबर 1 है थलीय, नंबर 2 है नभीय और नंबर 3 है जलीय, यानी कि लैंड एयर वाटर। तो तीनों प्रकार के एनसीसी के अंदर साहसिक प्रशिक्षण कराया जाता है। अब तीनों प्रकार का कौन कौन से होते हैं मैं आपको लिखवाऊंगा, थलीय, नभीय और जलीय तीनों को। अभी हम एक वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जमीनी या थलीय, जमीनी साहसिक गतिविधियां। जमीनी साहसिक गतिविधियां कौन कौन सी है मैं डिस्कस करूंगा, जैसे पैदल यात्रा जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिंग, नंबर 2 है पर्वतारोहण जिसे हम बोलते हैं माउंटेनियरिंग, नंबर 3 है पैदल यात्रा, पर्वतारोहण और साइकिलिंग। और मोटर बाइकिंग नंबर 5 देखते हैं, चट्टानों पर चढ़ना जिसे हम बोलते हैं रॉक क्लाइंबिंग। नंबर 6 तो
जमीन गतिविधियां दिखाई हैं, पैदल यात्रा, पर्वतारोहण, साइकिलिंग, मोटर बाइकिंग और चट्टानों पर चढ़ना यानी कि रॉक क्लाइंबिंग। तो ये सभी जमीनी गतिविधियां हैं। अब इनमें हम बात करेंगे माउंटेनियरिंग की। तो माउंटेनियरिंग कौन कौन सा इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग करवाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आप इन्हें नोट करिए, उनके बाद हम बात करेंगे माउंटेनियरिंग। तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ पर्वतारोहण, तो पर्वतारोहण करवाने वाले जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर्वतारोहण का कोर्स चलता है वे है HMI दार्जिलिंग। ये वेस्ट बंगाल में है, ये फर्स्ट है HMI दार्जिलिंग। नंबर दो देखते हैं NMI उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। नंबर तीन है MAS मनाली, ये है हिमाचल प्रदेश। तो ये तीन इंस्टीट्यूट हैं जो पर्वतारोहण या माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग करते हैं, कराते हैं कैडेट्स को या बाकी को भी। तो आप नोट कर सकते हो HMI दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, NMI उत्तरकाशी उत्तराखंड, उत्तराखंड में उत्तरकाशी UK, और MAS मनाली हिमाचल प्रदेश। तो ये तीन इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताए हैं और जमीनी गतिविधियां भी आपको लिखवाई है। इनके बाद हम बात करेंगे आकाशीय गतिविधियां या नभ्य गतिविधियां की, कौन कौन सी नभ्य या आकाशीय गतिविधियां NCC के अंदर कराई जाती हैं। तो आप पहले से नोट करिए, अगर दोस्तों आपने नोट कर लिया हो तो अब मैं आपको लिखाऊंगा नभ्य गतिविधियां। आकाशीय गतिविधियां, आकाशीय में सबसे पहला है पैरासेलिंग, पैरा जंप्स स्लिदरिंग, हॉट एयर बैलून तो दोस्तों मैंने आपको लिखवाई है आकाशीय गतिविधियां। इनमें पैरासेलिंग कराई जाती है, DGNCC कैंप में कराई जाती है पैरासेलिंग। पैरासेलिंग दो प्रकार की होती है, एक पानी के ऊपर होती है जो बोट द्वारा खींची जाती है और एक जिप्सी द्वारा खींची जाती है जो कि लैंड के ऊपर होती है। पैराजंप्स कराए जाते हैं PTS आगर, यानी कि पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा। ये कैंप जाता है एनसीसी का कैंप जाता है PBC कैंप, पैरा बेसिक कैंप। पैरा बेसिक कैंप PBC कैंप में NCC को पैरा जंप्स कराए जाते हैं, जिनमें 5 जंप्स कराए जाते हैं लेकिन अभी हाल फिलहाल के टाइम में 3 जंप्स ही कराए जा रहे हैं। स्लिदरिंग भी दिल्ली में ही होती है जब इवेंट होता है 26 जनवरी का या बाद में PM रैली होती है उस टाइम, तो स्लिदरिंग कराई जाती है जिसमें हेलीकॉप्टर में एक रोप डालकर कैडेट्स उससे स्लिदरिंग करते हुए उतरते हैं। हॉट एयर बैलून NCC का कोई भी ऐसा मान लीजिए एक्स मूवमेंट हो या कुछ ऐसा हो दर्शाने के लिए कई बार हॉट एयर बैलून भी कराया जाता है। तो ये सब है आकाशीय गतिविधियां।
अगर आपने इसे नोट किया हो तो अब हम देखेंगे जलीय गतिविधियां। तो यहां मैं आपको बताऊंगा जलीय गतिविधियां, और दोस्तों जलीय गतिविधियां कुछ ऐसी हैं जो केवल नेवल विंग वालों को ही कराई जाती है, ओनली फॉर नेवल विंग एनसीसी, और ऐसी ही इसमें है आपका एयर विंग वालों के लिए, कुछ ही है, सभी नहीं है। अब मैं जलीय गतिविधि आपको बता देता हूं, जैसे नौकायान यानी कि बोटिंग, बोटिंग सेलिंग, गोताखोरी यानी कि स्विमिंग, स्विमिंग और वाटर राफ्टिंग। जिसे बोलते हैं राफ्टिंग, तो ये है वाटर वाले यानी कि जलीय गतिविधियां। तो आप इन्हें भी नोट कर सकते हो। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ही समाप्त हो गया है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि एनसीसी कैडेट्स को कराए जाने वाले किन्हीं 5 एडवेंचर कोर्स या कैंप एडवेंचर गतिविधियों के नाम लिखो या 10 के नाम लिखो, तो आप यहां से फिर लिख सकते हो। बाकी जो इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं स्पेशल क्वेश्चन, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग का क्या फ़ायदा है, स्लिदरिंग का क्या फ़ायदा है, या रॉक क्लाइंबिंग में कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल करे जाते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, या पैरासीलिंग कितने प्रकार की होती है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हें भी हम बाद में सोल्व करवाएंगे, इस पर सेशन लेंगे। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो केवल हैंडबुक सेशन है, तो हैंडबुक में जितना अवेलेबल था हमने आपको करा है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं, और अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप बता भी सकते हैं, और आप ये सब नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है कराया जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा फर्स्ट चैप्टर जो इसमें हमने पढ़ाना था एडवेंचर ट्रेनिंग का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे जो सबसे पहले मैं आपको पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन लिखूंगा, पर्यावरण की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। हमारे चारों ओर के वातावरण जिसमें सभी चीजें आ जाती है, यानी कि आपका जल, स्थल और वायु को पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर के वातावरण या हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कितने भागों में डिवाइड है। तो पहला है जलमंडल, दूसरा है स्थलमंडल, स्थल
मंडल, तीसरा है वायुमंडल। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। जलमंडल में आपको बताया हमारे समुद्र आ जाते हैं, नदी नाले सब चीज आ जाते हैं। स्थल मंडल में हमारी पृथ्वी, भूगोल, बड़ी ऊपर का हिस्सा, चट्टाने, पहाड़, पर्वत सब चीज आ जाती है। और वायुमंडल में आप हमारे चारों ओर जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, जितनी भी गैसें हैं सभी इसमें आ जाती है। तो अब हम देखते हैं आगे, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है, और इसमें क्वेश्चन बनता है कि पेड़ों से क्या लाभ है, पर्यावरण पर्यावरण में पेड़ों का क्या लाभ है, वनों से क्या लाभ है, ये सभी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो उन्हें भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो फिर आती है बात की जैव घटक, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, जैव घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट क्या चीज होते हैं। तो जैव घटक में तीन चीजें आती हैं, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता। और अपघटन करता, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। तो ये तीन चीजें आती हैं हमारे जैव घटक में। तो इन तीन चीजों को हम कैसे डिफाइन करेंगे। उत्पादक होते हैं जैसे हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता वे होते हैं जो इन हरे पेड़ पौधे या इनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और अपघटनकर्ता जो होते हैं वे होते हैं मर्तोपजीवी होते हैं वे, जो किसी किसी जीव या किसी उपभोक्ता के मृत्यु के बाद उसे गलाने व सड़ाने का कार्य करते हैं, गलाने व सड़ाने का कार्य, यानी कि इसे डीकम्पोज, डीकम्पोज करने का, डीकम्पोज। तो ये होते हैं उपभोक्ता। अब हम देखेंगे दोस्तों, अगर आपने लिख लिया हो तीनों, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक करता, तो अब हम देखेंगे इसमें अपघटन करता न है ये दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि कि वनों का क्या लाभ, वनों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण में। तो अब हम वो देखेंगे, प्रभाव, लाभ नहीं देख रहे अभी दोस्तों, हम प्रभाव देख रहे हैं, वनों का प्रभाव। तो वनों का प्रभाव, वनों का प्रभाव, तो वनों का प्रभाव है जैसे जलवायु पर प्रभाव, यानी क्लाइमेट पर, जलवायु पर प्रभाव, पर प्रभाव। जल संरक्षण पर प्रभाव, भूमि संरक्षण पर प्रभाव,
ये दोस्तों जो आपका एनवायरनमेंट का पार्ट है मिसलेनियस में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। वन्य जीवन पर प्रभाव, और पांचवा पॉइंट है पर्यावरण वे प्रदूषण पर प्रभाव। ये आपको पांच पॉइंट लिखने हैं वनों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि परंपरागत ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यहां लिखवाता हूं मैं आपको, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पदार्थ रासायनिक ऊर्जा। तो ये दोस्तों मैंने आपको परंपरागत ऊर्जा के कुछ स्रोत बताए, आप इन्हें नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अगर दोस्तों आपने नोट किया हो तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि पर्यावरण संरक्षण के ऊपर आपको मैं तीन चार पॉइंट लिखाऊंगा, आपके चार पांच पॉइंट, तो भी आपको नोट कर लेने हैं पर्यावरण संरक्षण के। तो इसके अंदर हम ग्लोबल वार्मिंग भी देखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि ग्लोबल वार्मिंग है वो भी देखेंगे जरूर, और ओजोन परत, ओजोन लेयर को भी हम इसमें देखेंगे। कंप्लीट आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों कंसंट्रेशन से देखते रहे, और अब हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण संरक्षण के तरीके या उपाय, तरीके या उपाय। ये क्वेश्चन में आ जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के तरीके या उपाय लिखो, तो अगर ये पांच नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पांच पॉइंट उसमें लिखने हैं। अब मैं आपको पॉइंट लिखाऊंगा तो लिखिए, रासायनिक की जगह जैविक खाद अपनाएं। नंबर दो है पेड़ पौधे लगाएं। नंबर तीन है प्लास्टिक के बदले
कपड़े के थैलों का उपयोग करें। नंबर चार, जितना भोजन खाना है उतना ही ले, यानी कि भोजन व्यर्थ न करें। ये भी एक पर्यावरण संरक्षण का ही तरीका है, भोजन व्यर्थ न करें। अब पॉइंट नंबर पांच देखते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करें। पानी का अनावश्यक प्रयोग न करें। पॉइंट नंबर सात, ईंधन बचाएं व प्रदूषण रोकें। तो मैंने अभी आपको पॉइंट सात पॉइंट लिखाए हैं, आगे भी लिखवाता हूं। आठवां पॉइंट लिखवाता हूं, पैकिंग वाली चीजों का प्रयोग कम करें, इनसे कचरा अधिक फैलता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ पॉइंट को दोबारा। रासायनिक की जगह जैविक खाद का प्रयोग करें, पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक के बदले कपड़े के थैलों का उपयोग करें, जितना भोजन खाना है उतना ही भोजन लें, भोजन व्यर्थ न करें, सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पानी का अनावश्यक प्रयोग न करें, ईंधन बचाए प्रदूषण रोकें, ईंधन बचाए हुए प्रदूषण रोकें, पैकिंग वाली चीज़ों का प्रयोग कम करें, इनसे ही कचरा अधिक फैलता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको आठ पॉइंट लिखा है, अगर ये 10 नंबर का भी आता है तो आप उसमें 8 पॉइंट लिख सकते हैं और अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। आप इसे नोट करिए, मैं आप आज आपको नोट करने के लिए सफिशेंट टाइम दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आपने नोट कर लिया हो तो अब हम देखेंगे आगे कि पर्यावरण संरक्षण मैंने आपको बता दिया है, अब हम देखते हैं इसमें ओजोन लेयर क्या है, ओजोन परत क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी देखेंगे हम इसमें, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखेंगे, और लास्ट में पोल्यूशन पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ओजोन परत क्या है, यानी कि ओजोन परत क्या है, क्वेश्चन है। ओजोन परत को डिफाइन करेंगे तो मैं लिखवाता हूं, ओजोन पॉइंट नंबर वन, ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से, यानी कि जमीन से, धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। पॉइंट नंबर वन होता है, यह वायुमंडल के समताप मंडल
में बहुत पतला सा आवरण यानी कि परत है, बहुत पतली सी परत है ओजोन परत। नंबर तीन, ओजोन परत पर्यावरण की रक्षक है। पॉइंट नंबर चार, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको ओजोन परत के बारे में बताया है पूरा कि ओजोन परत क्या है और इसका क्या क्या सूर्य से आने वाली किरणों को ये रोकती है, इसका कार्य ही है। तो अब हम देखेंगे आगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बताऊंगा, पहले ओजोन परत को नोट करिए। तो दोस्तों, आप इसे नोट करिए, अभी मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप इसे नोट करिए ओजोन परत को, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। यहाँ पर मैं अभी लिखवाता हूँ आपको ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, जैसे CO2 के कारण संसार के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो हमारे वर्ल्ड का, हमारे प्लेनेट अर्थ का जो लगातार कंटिन्यूअस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, औसत तापमान, मैंने यहां लिखा है औसत तापमान, ये चीज आपको नोट करनी है, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको लिखा दिया और ओजोन परत क्या है इसे लिखा दिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें, लास्ट में पढ़ेंगे हम इसमें प्रदूषण की, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसके उपाय होते हैं। तो दोस्तों, आप इसके बाद में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इसमें क्वेश्चन आपको अमरदीप सर द्वारा बताए जाएंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे जल, वाटर पोल्यूशन, भूमि मृदा प्रदूषण बोलते हैं, मृदा प्रदूषण, सोइल पॉल्यूशन, वायु, एयर पॉल्यूशन, ध्वनि
बोलिए सर। और ना भी किए या रेडियो धर्मी ना भी किए और दोस्तों रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो ये पांच प्रकार के मैंने आपको प्रदूषण लिखवाए हैं, इनसे अलग भी पॉल्यूशन कई प्रकार के हो सकते हैं। तो मैं अब इनसे रिलेटेड आपको कुछ एक पॉइंट लिखवाऊंगा। मैं जल प्रदूषण के कारण बताऊंगा अब आपको। जल प्रदूषण के कारण क्यों फैल रहा है जल प्रदूषण, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला, दूसरा, तीन कारण मैं आपको बताऊंगा इसमें। औद्योगिक विकास, अपमार्जक विकास और कीटनाशक का उपयोग। कीटनाशक का उपयोग, अब इसे रोकने के उपाय भी मैं लिखाऊंगा आपको कि जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जल प्रदूषण रोकने के उपाय, कैसे जल प्रदूषण रोका जा सकता है? नहरों, कुओं, तालाबों, नदियों में औद्योगिक कचरा में गंदगी में डालें। नंबर दो पर बात करेंगे, कचरे का निपटान नियत स्थान पर करें। नंबर तीन, जल की एक बूंद भी व्यर्थ न करें, वेस्ट न करें, बर्बाद न करें। जल प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। जल प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। तो दोस्तों मैंने आपको जल प्रदूषण रोकने के उपाय बताए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के कारण और वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में और फिर आपको अमरदीप सर द्वारा क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा कि एडवेंचर ट्रेनिंग में कौन से क्वेश्चन आते हैं और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अगर दोस्तों आपने इसे लिख लिया हो कि जल प्रदूषण के कारण वे रोकने के उपाय, तो अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के कारण वे वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण के कारण, पॉइंट नंबर वन,
दिनों तथा कारखानों से निकला धुआं एवं विषैली गैस से निकला धुआं एवं विषैली गैस। नंबर दो, उद्योगों द्वारा उत्सर्जित पारा जिंक शीशा आदि धातुओं के सूक्ष्म कण। और नंबर तीन, रासायनिक उर्वरकों तथा खरपतवार नाशी का अधिक प्रयोग। तो दोस्तों हैं इसके वायु प्रदूषण के कारण, अब इसे रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय देखते हैं। तो घरों उद्योगों व वाहनों के धुएं को सीमित करें। और नंबर टू, पटाखों व खतरनाक रसायनों का प्रयोग न करें। और नंबर तीन, कूड़ा कचरा जलाए नहीं, नियत स्थान पर डालें। पॉइंट नंबर चार, वायु प्रदूषण संबंधी सभी नियमों का पालन। तो दोस्तों मैंने आपको सभी पॉइंट लिखवा दिए हैं। तो दोस्तों हमारे चैप्टर से यहाँ भी खत्म हो गया है, दोनों चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन सेशन की ओर चलते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको अब क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे,